और आपकी क्लास चल रहा था सात नौ 1964 के मध्यांत में बात चल रही थी जो सिर्फ बाप को याद करेंगे या समझेंगे कि बाप से स्वर्ग का वर्षा पाना है स्वर्ग को याद करना है तो वो स्वर्ग में तो चले जाएंगे बाकी महारानी महाराजा साहूकार नहीं बन सकेंगे तो महारानी महाराजा साहूकार या राज परिवार में आने वाले कैसे बनेंगे सिर्फ स्वर्ग को याद करेंगे बाप को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जावेंगे ऊंच पद नहीं पावेंगे फिर ऊंच पद पाने के लिए क्या करें सेवादारी बनना है सेवा करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे तो बात तो इस बाप को याद करने की है ये भी नहीं है कि तुमको एक बार इस देशी विदेशी अर्थात परदेशी बाबा से मिलते हो बच्चों को समझाया भी दिया है कि जो श्री लक्ष्मी नारायण थे वो ही फिर पुजारी बन इनको ब्रह्मा सरस्वती बनना ही है इसलिए कभी भी ये चेंज नहीं हो सकता है कि बाबा फलाने में क्यों नहीं आते हैं एक में क्यों आते हैं क्यों ड्रामा तो फिक्स अप है ना दिखलाते भी हैं बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र चित्र भी मदद तो जरूर करेंगे ना जो हो करके गए हैं निराकार के भी मंदिर हैं जरूर आए हैं और कुछ करके गए हैं बाबा ने एक दिन समझाया था कि जिनको बहुत धन मिला है उन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में बहुत धन खर्च करके मंदिर बनाया है अब मीठे बच्चे बाप को तो अच्छी तरह से जान गए बाकी है उनसे पढ़ाई पढ़ करके अच्छा वर्षा लेना सात नौ 64 की वाणी का दूसरा पेज प्राचीन योग और ज्ञान और कौन सा योग
राजयोग सिर्फ योग नहीं कहना चाहिए, प्राचीन योग और ज्ञान, इस योग और ज्ञान से क्या हुआ था ये कोई जानते नहीं है। बोले जाते हैं समझाने के लिए, परंतु यहां समझाने वाले दो हो गए हैं, एक वो सन्यासी हद के और दूसरे तुम बेहद के सन्यासी। और सन्यासी तो हर एक धर्म में होते हैं। देखो जैनी धर्म में कितने सन्यासी हैं, परंतु उनको बेहद सन्यास का पता नहीं है। सबको हद के सन्यास का पता है और तुमको बेहद का सन्यास बेहद का बाप कराते हैं। इसलिए तुम्हारा सन्यास सबसे ऊंचा है और उसमें वर्षा भी है, प्राप्ति भी बहुत है और कोई को क्या प्राप्ति हो सकती है। पुरानी दुनिया की प्राप्ति में क्या मिलेगा, अल्पकाल क्षणभंगुर सुख, ये तुम्हारी प्राप्ति है नई दुनिया के लिए। तो प्राप्ति जरूर करनी है, परंतु इस प्राप्ति करने में माया के कितने विघ्न पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते झट मुंह फेर लेते हैं, इसलिए चित्र भी तो कुछ काम के लिए है ना। प्रैक्टिकल में है कि बरोबर ये मुख भी करते हैं राम की तरफ और पीठ करनी है रावण की तरफ, परंतु रावण इतना बलवान है जो कोई भी तरफ में अपनी तरफ में खींच लेते हैं। तो चित्र भी संगम युग के लिए यादगिरी है। तुम्हारे लिए चित्र भी बहुत है, चित्र अगर बड़े बने तो ये भी सौगात अच्छी है तुम बच्चों के लिए। इसके ऊपर तुम समझाए भी सकते हो, भाई देखो इस समय में पतित पावन राम, रावण ने तो पतित किया है, राम और रावण का दशहरा फलाना, ये तो बनाते बनाते आए हैं ना।
तो उसमें रावण तो दिखलाते ही हैं। बाकी शिव बाबा के बदले में फिर कृष्ण दिखलाई दिया है। या राम दिखलाई देंगे परंतु नहीं, दिखलाना पड़े शिव। शिव तो बिंदी का नाम है, उसको कैसे दिखलावेंगे? इन आंखों से तो दिखलाने की बात ही नहीं है। ज्ञान ज्ञान की पराकाष्ठा से ही दिखला सकेंगे। तो इसमें बाबा डायरेक्शन देते हैं, किनको जो बनारस में रहने वाले हैं जहाँ बना बनाया रस मिलता है, वो गुप्ता जी जैसा अच्छा ज्ञानी तू आत्मा जाते हैं तो जैसे समझो कि उनको बाबा कहते हैं, जो बनारस में सर्विस पर हैं वहां ही ऐसे एक चित्र बनाया है, थोड़ा बड़ा करके बनाया। एक तरफ में रावण और दूसरी तरफ में शिव बाबा बना दिया है और उनके नीचे लिख भी सकते हैं, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण। फिर वो ही चित्र ऊपर में शिव और नीचे में फिर पद भी दिखलाई सकते हैं। यहाँ ये भी तो ठीक है, बाप से इतना ऊंचे पद मिलता है तो प्रैक्टिकल में हो जावे, इसमें क्या दिखलाते हैं? कौन है? दूसरे तरफ में कृष्ण है शायद, कोई बच्चों ने कहा राम है, राम है, बच्चों ने कहा राम सीता है ना, एक में राम और रावण और दूसरे में कृष्ण और कंस भी बनाते हैं, शिशुपाल आदि। अरे नहीं, रावण अक्षर ही ठीक है क्योंकि रावण के 10 शीश दिखलाते हैं, कंसी जरासिंधी शिशुपाल का कोई 5 या 10 शीश थोड़े ही दिखलाते हैं। तो ये रावण ठीक है, फिर इस तरफ में शिव और पद तो है ही सतयुग की लक्ष्मी नारायण का, तो ऊपर में शिव और नीचे लक्ष्मी नारायण भी देवे, जैसे वो पहले वाले चित्र हैं, तो भी बहुत अच्छा है।
बाबा फिर नाम देते हैं सेंसिबल, अगर नहीं बनावे तो बाबा कहेंगे नॉन सेंसिबल। तो ये सौगात है और इसके ऊपर बहुत ही समझा सकते हैं। सात नौ चौसठ की रात्रि क्लास का तीसरा पेज, जैसे इन बच्चों के लिए वो लॉकेट बनाए हैं, बच्चों को भी बहुत दिए हैं समझाने के लिए। कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पद देते हैं, कृष्ण का पद कब देते हैं है? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह पद देते हैं, कब देते हैं? है संगम युग में देते हैं, लेकिन संगम युग में भी कब है? पुरुषोत्तम संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग भी तो जब से पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होते हैं तब से कहा जाएगा ना। तो लक्ष्मीनारायण का जन्म तो सन 76 में साबित हुआ, तो तब कृष्ण का पद मिला। अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, मिला नहीं है, मिला नहीं। तो देखो रावण तो बहुत मशहूर है, बाकी कंस और कृष्ण का तो बैठ करके नाटकों में बहुत खेल करते हैं। कृष्ण और कंस का वध ये भी एक नाटक है। ऐसी ऐसी ख्याल करें कोई चीज बनावे तो बहुत अच्छा, जैसे अपन बनाते हैं कृष्ण के हाथ में गोला देते हैं और पिछाड़ी में वो आ गए, कौन है? नहीं, आगे के हाथ में स्वर्ग का गोला देते हैं और पीछे पीछे रावण, पीछे पीछे रावण आता है ना। तो वो भी अगर किसके ऊपर चित्र बनाए तो वो भी अच्छा है। यहाँ तो बनते हैं, वहां रखा हुआ है, यहाँ नहीं है। किसी बच्ची ने कहा है ये भी एक बड़ा है, नीचे लिटरेचर रूम में शायद बड़ा रखा हुआ है। अगर तुम बच्चे किसको दिखलाओ
रावणपुरी और ये कृष्णपुरी बरोबर महाभारत की लड़ाई के बाद फिर कृष्णपुरी आई हुई है और बाकी जो अनेक वो सब पुरियां खत्म हो गई। ऐसे भी तुम समझा सकते हो। अभी सहज राजयोग से इसने ये पद पाया है। किसने? इसकी बात हो रही थी, प्रश्न की बात हो रही थी, क्या पद पाया? सतयुगी कृष्ण का पद पाया। कैसे? राजयोग से। कब पाया? संगम में पाया। संगम में कब पाया? 76 में। हाँ, जब कृष्ण की आत्मा संपन्न होती है तभी इस पद की अनुभूति पक्की होती है। ये कृष्ण का पद उसे किसके द्वारा मिलता है? सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा वो तो हो गई रचना, तो उस रचना को वर्षा देने वाला रचयिता बाप कौन हुआ? शिव बाप नहीं, शिव बाबा हुआ। डबल कमाई के जो भी व्यापारी हैं, नौकरी वाले हैं या कोई भी हैं, तो ऐसे बहुत होते हैं जो सेकंड कोर्स उठाते हैं, जास्ती आमदनी करने के लिए। तो गृहस्थ व्यवहार में वो भी करते रहे और ये जो सच्ची कमाई है वो तो और ही सहज है। आठ घंटे के बाद, कौन से आठ घंटे? नौकरी पेशा। आठ घंटे के बाद, अरे इनमें तो बहुत थोड़ा लगता है। लगता तो है, एक मिनट का कार्य है, परंतु याद करने में थोड़ा टाइम चाहिए। देखो कैसी कैसी बच्चियां आती हैं और कितना बड़ा इम्तिहान देती हैं। किसकी तरफ इशारा किया है? बूढ़ी बूढ़ी बच्चियां, अनपढ़ बच्चियां, अहिल्याएं, कुबजाएं, गणिकाएं, कोई क्या जाने कि वास्तव में ये गीता गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में ग्रंथ कौन सा है? गीता। गीता की पढ़ाई है। उस यूनिवर्सिटी का ये पुस्तक है।
परंतु गॉड फादर की यूनिवर्सिटी एक ही होती है ना, दूसरी कोई होती ही नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं एक ही बार, और भगवान वाच भी एक ही बार, और भगवती भगवान बनाते हैं। वो कृष्ण और राधे तो बने हुए हैं, वो नहीं बनाएंगे क्या? भगवान भगवती नहीं बनाएंगे, वो बनते हैं जरूर, ऐसे कहेंगे। देखो तुम जानते हो कि हम बन रहे हैं, इस द्वारा शिव परमपिता परमात्मा द्वारा क्योंकि कृष्ण और राधे पतित दुनिया में हो नहीं सकते हैं। कृष्ण और राधे होते ही हैं सतयुग में, त्रेता में कृष्ण और राधे होते नहीं है क्योंकि वहां भी है पहले नंबर डायनेस्टी राधे कृष्ण की, जो चलती रहती है। इतने बच्चे पैदा होते हैं सत्युग में कृष्ण नाम से, साढ़े चार लाख, आठ बच्चे जो बड़े होकर क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण टाइटलधारी बनते हैं। त्रेता में नहीं कहेंगे कि कोई राधे कृष्ण की डायनेस्टी चलती है, फिर बाद में तो फलास। त्रेता में कृष्ण की या लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी खलास हो जाती है, फिर रामचंद्र की डायनेस्टी पीछे शुरू होती है, माया की डायनेस्टी, रावण की डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में भारत में सिंगल ताज वाले हैं, और राम की डायनेस्टी में डबल ताज वाले हैं। कौन सा सिंगल ताज, कौन सा डबल ताज? राम की डायनेस्टी में आने वाले प्योरिटी का ताज भी धारण करते हैं और नई दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी भी धारण करते हैं। और रावण की डायनेस्टी में द्वापर युग से सिर्फ स्थूल ताज धारण करते हैं, लेकिन प्योरिटी का ताज या नई दुनिया की जिम्मेवारी का ताज नहीं धारण करते। वो डबल ताज वाले हैं क्योंकि वो पवित्रता का और वो अपवित्रता का। रावण है अपवित्रता की निशानी, कैसे? रावण में क्या है पवित्रता की निशानी?
ज्ञान का अहंकार है। दस से रहना, सिर माने बुद्धि, एक की बात पर है तो पवित्रता की निशानी, और दस दस की मत पर चलना पड़े तो अपवित्रता की निशानी। निशानी तो है ना चित्र में, और राम कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, वो है पवित्रता की निशानी। इसलिए भक्ति मार्ग में रामलीला खेलते हैं तो रावण को दस सिर देते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। तो निशानी है जो दिखलाते हैं, डबल सिरता, सिंगल सिरता, और दिखलाते भी हैं भारत में, और कोई भी दूसरे खंड में, दूसरी बादशाही में नहीं होती है। क्या ये निशानी सिर्फ भारत खंड में है? जानते भी हैं, पूजा भी करते हैं, खुद राजा महाराजा ही पूजा करते हैं, परंतु उनको पता नहीं पड़ता है कि क्यों उनकी पूजा करते हैं। इनकी है डबल ताजधारी की चित्रों में, डबल ताजधारी जो देवताओं के चित्र हैं उसमें सिंगल ताज भी दिखाते हैं और प्योरिटी का ताज भी दिखाते हैं। पूजा तो करते हैं परंतु पता नहीं पड़ता है। पूज्य श्री लक्ष्मी नारायण, पूज्य सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और बहुत ही अपन को सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहलाते भी हैं। परंतु बस यही कह देते हैं ये सूर्यवंशी पावन, हम भी सूर्यवंशी के हैं लेकिन हम पतित। सात नौ चौसठ की रात्रि क्लास का चौथा पेज, तो सूर्यवंश तो चलता है ना, फिर चंद्रवंश भी चलता है। जो सूर्यवंशियों की पूजा करते होंगे वो जरूर कहेंगे हम सूर्यवंशी हैं, और चंद्रवंशियों की पूजा करते होंगे वो कहेंगे हम चंद्रवंशी हैं। परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि न सूर्यवंशियों ने कैसे राज्य लिया। और चंद्रवंशियों ने कैसे राज्य लिया? अभी तुम बच्चे तो बहुत कुछ जान गए हो,
और भी बाकी जानते जाते हो, नई नई बातें समझाने के लिए, क्योंकि पहाड़ों पर तो कोई चीज है नहीं जो दूर में जाना पड़े। वो तो चित्र रखे हुए हैं जिनकी पूजा होती है, और उसे पहाड़ों के चित्रों की बात की है। भक्ति मार्ग में पहले चित्र बनते हैं कि शास्त्र बनते हैं? वो चित्र कहाँ बनते हैं? अजंता पहाड़ों की गुफाओं में वो चित्र मिले, बने थे। वो चित्र भी भक्ति मार्ग में तो जड़ चित्र बने थे, ज्ञान मार्ग में कैसे बने होंगे? चैतन्य चित्र बने होंगे, और वो चैतन्य चित्र पहाड़ों पर बने होंगे क्या? है? गुफाओं में बने होंगे क्या? गुफा माने गुप्त, पहाड़ माने ऊंची स्टेज में बने। तो कोई पहाड़ों पर जाने की बात नहीं है, वो तो चित्र रखे हुए हैं जिनकी पूजा होती है। जीवात्माओं से मिले कैसे? तो देखो, बाप भी ये शरीर धारण करके फिर मिलते हैं, अभी कहते हैं ये पतियों का पति है। कौन कहते हैं? अरे अभी तो बोला, बाप भी ये शरीर धारण करके फिर मिलते हैं। कौन मिलते हैं? बाप, आत्माओं का बाप या मनुष्यों का बाप? आत्माओं का बाप मिलते हैं, शरीर धारण करके मिलते हैं। तो अभी कहते हैं ये पतियों का पति है। जब तक शरीर धारण नहीं करते तब तक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बाप का संबंध है, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई, और शिव बाप बाप है, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब शरीर धारण करें। फिर पत्नी सजनी साजन से मिलेगी तो जरूर ना। तो कैसे मिले? बाघ ही पहनना पड़े। बाकी पहनना पड़े माने शादी होती है तो पहले पहले क्या करते हैं? हैं? अरे एक दूसरे के गले में माला डालते हैं ना,
तो पहले तो ये बाहों की माला है, बाहों की माला एक दूसरे के गले में पड़ती है तो संबंध जुट जाता है। कौन सा? साजन और सजनी का, पति पत्नी का। अगर बाप है, बच्चा भी है, जीव की आत्मा है, अब वो जीव आत्मा यानी सिर्फ आत्मा है और परमात्मा कैसे मिले? तो फिर भी शरीर से ही मिलना पड़े। आत्मा भी शरीर धारण करने वाली और परमात्मा भी शरीर धारण करने वाला। तो फिर जब मिलते हैं तो भी इससे ही मिलते हैं कि हम बाप दादा से मिलते हैं, क्योंकि उनको दादा जरूर कहना पड़े, दादा कहना पड़े कि दादा कहना पड़े, दादा कहना पड़े। यहाँ तो गलत लिख दिया है, दादा माने ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, क्योंकि दादे से वर्षा मिलता है कि दादा का वर्षा मिलता है? दादा माने बड़े भाई, बड़े भाई से तो वर्षा नहीं मिलता है। तो इसे मानवीय कल वृक्ष में पहला पत्ता 500 करोड़ पत्तों के लिए क्या है? दादा है, बड़ा भाई है। फिर दादा कौन है? है जो कृष्ण बच्चे को जन्म देता है वो ही दादा है। तो परंपरा चली आती है कि बाप अपना वर्षा दे या न दे बच्चे को, लेकिन दादे का वर्षा तो मिलता ही है। तो इसमें मुझने की बात नहीं है, जब कोई गोद से डरते हैं क्या, ऐसे होते हैं जो गोद से डरते हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि हम बच्चे हैं तो हम बाप की गोद में जाते हैं। अगर पत्नी के हिसाब से समझें तो पति की गोद में जाते हैं। तो इन बातों में बड़ी युक्तियां रची हुई हैं। पति की गोद में अगर जाए तो फिर पति, और फिर तो बाल लीला, रासलीला, उसमें भी बाल लीला तो पहले पहले क्या, बाल लीला कौन सा संबंध हुआ है? बाप और बच्चे का संबंध हुआ, अथवा माता और
बच्चे का संबंध हुआ, फिर रासलीला रहस्य का बिगड़ा हुआ रूप रासलीला रहस्य लीला। क्या रहस्य? रासलीला में चित्र में क्या दिखाते हैं है? कोई अजूबा गरूबा की चार चीज दिखाते बात दिखाते हैं क्या? हाँ, हर एक गोपी के साथ एक ही कृष्ण। तो देखो ये बाल लीला रास लीला जादूगरी और कुछ नहीं है, ये है जादूगरी। दुनिया भी लोग जो नहीं समझते हैं वो फिर क्या कहते हैं है? जादूगर समझ लेते हैं ना, ये तो जादू कर दिया। जादूगरी ऐसे भी चलती है बैठे बैठे, बैठे बैठे कृष्ण देखा और उनको ऐसे ऐसे करके पकड़ने लग जाते हैं। तब की बात बताई यज्ञ के आदि की बात बताई, तो ये भी जादूगरी है। भी क्यों लगा दिया? आदि सो अंत में भी होता है और जादूगर तो है ही। गीत भी तो गा लेते हैं क्या? फिल्म में गीत गाए हैं कोई तो नहीं याद? जादूगर जादूगर आएगा किसी को समझ नहीं आएगा। तो बता देना चाहिए, कोई को भी बता देना चाहिए भाई वो जो है बाबा भी है और जादूगर भी है और रत्नागर भी है क्या? वास्तव में रत्नागर सागर को कहा जाता है क्योंकि सागर की गहराई में हीरे मोती रतन बहुत भरे पड़े हैं। वो तो जड़ सागर है और ये चैतन्य सागर है। चैतन्य सागर की गहराइयों में भी ढेर के ढेर है ज्ञान रतन भरे पड़े हैं। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं होती है। देखो बुलाते तो है ना परदेशी को, फिर मिले कैसे? फिर रिकॉर्ड बजा, आ जा रे परदेशी। परदेशी साजन से या बाप से फिर कल्प कल्प एक ही बार मिलना होता है। इसको ही कहा जाता है कल्याणकारी मिलन।
या तो मंगलकारी मिलन फिर रिकॉर्ड बजा दिन में भक्ति नहीं होती है कायदा ही है भक्ति सुबह को या शाम को होती है दिन में क्यों नहीं होती है हैं दिन में शरीर निर्वाहार्थ कर्म करना पड़ता है ना शरीर व्यवहार के लिए शरीर का निर्वाह करने के लिए खाना आदि पकाना है या नहीं खाने का साधन जुटाना है या नहीं चाहे सरेंडर हो चाहे नॉन सरेंडर हो करना तो पड़ेगा कोई सरेंडर कहे हम तो ऐसे ही बैठ जाएंगे बाबा की याद में कोई सेवा नहीं करेंगे कहीं नहीं जाएंगे तो ब्राह्मण का धंधा छोड़ दिया ना है ब्राह्मण के पुरुषार्थ के लिए दो रोटी तो चाहिए वो दो रोटी भी कहां से आवेगी आवेगी वो भक्ति भी सुबह और शाम ज्ञान भी सुबह और शाम इस बात को समझा क्या समझा है शरीर निर्वाह के लिए काम है भक्ति माने बुद्धि को भगाते हैं भगवान के पीछे सुबह को कोई धंधा दोरी नहीं होता है और शाम को भी धंधा दोरी का दिन खत्म तो ज्ञान और भक्ति दोनों सुबह शाम समझा अच्छा मीठे मीठे से किल्ले बच्चों प्रति इसके प्रति मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति शिकील दे क्यों कहा है ना ऐसे कोई बच्चा बहुत लंबे समय से खोया हुआ हो और फिर मिल जाता है तो बड़े सिक से मिलते हैं तो तुम बच्चे जो सूर्यवंशी बच्चे हो कैसे हो यज्ञ के आदि में तुम सूर्यवंशी बच्चे सबसे पहले बिछुड़े थे या बाद में बिछुड़े हैं सबसे पहले सूर्यवंशी बच्चे बिछुड़े तो बड़े सिख से किन बच्चों से मिलते हैं सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता का बाप दादा का क्या अंतर है
अलग अलग क्यों कर दिया है? माता पिता अलग कर दिया, बाप दादा अलग कर दिया, क्यों? बाप दादा तो एक ही पत्ता, बाप दादा कंबाइंड है एक ही शरीर में। बाप माना राम बाप कहो, शिव बाप कहो, और दादा माने कृष्ण की आत्मा। षष्ठी वृक्ष के 500 करोड़ पत्तों का बड़ा भाई दादा, वो एक ही शरीर में है, कंबाइंड है। कौन सी शरीर में? राम वाली आत्मा के अंतिम जन्म के शरीर में बाप भी तो दादा भी और माता पिता। लक्ष्मी नारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण तो जब बनेंगे तो वहाँ याद प्यार गुड नाइट की बात नहीं, वहाँ नाइट होगी होगी ही नहीं। तो माता पिता यहाँ की बात है, जगत पिता और जगदम्बा। तो जगदम्बा में जो बड़ी की बड़ी सहन शक्ति धारण करने वाली माता है कौन? ब्रह्मा। जिसकी पूजा दाढ़ी मूछ के रूप में नहीं होती, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन पना पे उतर आते हैं कलयुग के अंत में, इसलिए पूजा नहीं होती। किसकी? ब्रह्मा की। अच्छा, और शंकर का तन, विष्णु का तन पुरुष तन नहीं होता क्या? नहीं होता है? हाँ, ब्रह्मा अधूरा पुरुषार्थ, संपन्न होने पर ब्रह्मा, संपूर्ण होने पर ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, वो तो एक ही हो गए। बाकी रहा शंकर, तो शंकर को क्यों नहीं कहें? है शंकर का तो भगवान का नाम है, वो तो नाम ही है शंकर। ये नाम कब पड़ता है, किस काम के आधार पर? काम के आधार पर शंकरण है, तीन आत्माओं के पार्ट का। तो बोला माता पिता, माता जगदम्बा और पिता जगत पिता। न माता पिता बाप दादा का नंबर वार याद प्यार, ये क्या बात हुई है? जो बच्चा बड़ा बच्चा होगा, पहले पैदा होगा तो उसको ज्यादा प्यार मिलेगा, जो बच्चा बाद में पैदा होगा उसको माँ बाप कम प्यार करेंगे है? नंबर वार क्यों कहा? जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ के आधार पर याद प्यार और गुड नाइट।
ओम शांति।